हेलो फ्रेंड, मैं रेखा मेहर गार्डन से आपका स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और गार्डनिंग में मस्त होंगे। और क्या कहूँ, संध्या का समय है और सूर्य अपना छुप रहे हैं और लालामी बिखेरे हुए हैं। तो ये देखिए, आज मैं आपको लीफ कंपोस्ट बनाना बताऊँगी। और लीफ कंपोस्ट कैसे बनाते हैं, बहुत से लोगों को पता होगा पर जो न्यू गार्डनर है उनको नहीं पता होता है। तो हमारे गार्डन से जो सूखी लीव्स निकलती है, पत्तियाँ और जो भी वेस्ट निकलता है, बस किचन वेस्ट नहीं होना चाहिए, ये ड्राई लीव्स होनी चाहिए। तो इन सबको मैं एक जगह इकट्ठा करती जाती हूँ। और मेरे यहाँ बड़े बड़े पेड़ हैं तो बहुत मात्रा में ये पत्तियाँ निकलती हैं दूर दूर। तो इसको हमें क्या करना है कि एक बोरी में मैं इनको भर रही हूँ। आप जितना भी इकट्ठा कर ले, आप पॉलीथीन में, ग्रो बैग में, आप जिसमें भी आप भरना चाहें उसमें आप भर सकते हैं। तो ऐसे आपको सबको भरना है। भरने के बाद एक काम और करना है, ये देखिए, ये है यूरिया। और यूरिया बहुत ही अच्छी डिकम्पोस्ट करती है हमारी लीव्स को। तो एक लीटर पानी में एक चम्मच यूरिया डाल के हम लोग को अपनी जो हमने ड्राई लीव्स बोरी में भरी हुई है उसमें मैं डाल दूंगी। तो मैं चार पांच बोरी मैंने इठक्की की हैं ड्राई लीव्स को, और इनको आपको बांध कर रखना है। तो इस तरह आप कोई भी अपनी ड्राई लीव्स ना फेंकें। वो बहुत ही अच्छी एक लाइट वेट और ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनती है। उसको ब्लैक सोना गार्डन में, ब्लैक सोना के नाम से भी ये खाद जानी जाती है दोस्तों। तो इनको रखने के बाद मैं इनको रोज पानी डालती हूँ। आप लोग भी इनको ड्राई मत होने देना। इनके जो बोरी में लीव्स हैं इनको आप मॉइस्चर हमेशा रहना चाहिए। और 3 महीने के बाद आज मैं आपको ये दिखाऊंगी, ये जो मेरी एक वेस्ट पड़ी हुई है तो मैंने इसमें भर ली थी। तो इसको मैं चेक कर रही हूँ, बस 3 मंथ के बाद दोस्तों ये रेडी हो जाती है। ये देखिए, मुझे लग रहा है कि ये रेडी हो गई है। और ये मेरी बहुत ही ज़्यादा, मैं इसमें इस ये जो है ना, ये बहुत ही अच्छी और लाइट वेट खाद बन के रेडी हो जाती है। तो मैं आज इसको 3 महीने के बाद चेक करूँगी कि मेरी कंपोस्ट बन के तैयार। लेकिन इसमें 3 महीने या 4 महीने का वक्त लगता है, पर आप मॉइस्चर ज़रूर अपनी पत्तियों को दिए रहना तो बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएंगी। तो इसको मैंने टंकी को खोल लिया है, और खोलने के बाद देखिए दोस्तों कितनी गजब की मेरी कंपोस्टिंग तैयार हो गई है। इसमें कभी कभी पॉलीथीन वगैरह पत्तियों के साथ चली जाती है, तो उनको याद से आप ज़रूर हटाइएगा। और अगर इसमें कागज या वुडन है तो उनको ना हटाएं, लेकिन आप प्लास्टिक की जो भी पन्नी वगैरह हैं तो उनको ज़रूर हटा लें। मेरे में तो बहुत सारी पन्नियाँ निकली, और ये ढेर आप देख रहे हो मेरा कितना ज़्यादा कंपोस्ट तैयार हुआ है। इसको मैं थोड़ा एक दिन ऐसे ही रहने दूंगी और फिर मैं इसको भर के रख लूँगी। और ये लाइट वेट बास्केट के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और दोस्तों ये मैंने एक बार फिर से इसमें कचरा अपना भर दिया है, और ये मैं फिर से रख दूँगी। खाली हो गई थी तो इसको मैंने फिर से भर दिया है, और ये निकाल लिया है और दूसरा भर दिया है दोस्तों। तो इस तरह की कंपोस्टिंग, ये देखिए कंपोस्टिंग तैयार हो गई है। इसमें मुझे मिट्टी भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ इसमें थोड़ी सी बालू मिला के। और इसमें आप कोई भी प्लांट लगाइए, बहुत ही ऑर्गेनिक और हेल्दी ग्रोथ होती है ये लीफ कंपोस्ट की। और आपको कोकोपीट की भी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मॉइस्चर को हमेशा बनाए रखती। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जाते जाते मेरे गार्डन का एक छोटा सा ओवरव्यू जो मैंने सुबह अगले दिखाया था आपको, शाम का बेला है और इतना सुहाना लाल लाल मौसम, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो